हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, स्टडिंग सी आइस एमिट पेंगुइन एंड द सदर्न लाइट्स। तो क्या है ये देखते हैं। एमिट का मतलब होता है बीच में, तो मतलब पेंगुइन्स के बीच में और सदर्न लाइट्स के बीच में किसको स्टडी करना है? सी आइस को। इट इज़ अनलाइक एनी वर्क स्पेस इन द वर्ल्ड। एनी वर्क स्पेस इन द वर्ल्ड ईच डे स्टार्ट्स ऑफ अ फ्रिजिड रिक्राउड लो टेम्परेचर इन द एंटार्क्टिक। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वेदर। इफ द वेदर इज गुड वी हेड आउट, एल्स वी स्टे इन, सेज पोलर रिसर्चर विष्णु नंदन एज ही सेटल्स डाउन रिलक्टेंटली टू द टेम्परेचर क्लाइमेट ऑफ हिज होम टाउन तिरुवनंतपुरम इन केरला। आफ्टर अ 40 आवर फ्लाइट फ्रॉम एंटार्क्टिका इट इज नॉट वार्म इनफ हेयर ही सेज, और मे बी बाई नाउ आई हैव बीन सो यूज टू द कोल्ड दैट दिस वाजंट वार्म इनफ। ही एड्स क्विकली एज एन आफ्टर थॉट। विष्णु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द 8 मंथ्स सी इन एंटार्क्टिक। ही वॉज वन ऑफ द टू साइंटिस्ट हु वर पार्ट ऑफ अ 25 मेंबर टीम ऑफ अ ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे, ब्रेविंग द एक्सट्रीम वेदर एंड द पोलर डार्कनेस एट द रोथेडा रिसर्च स्टेशन ऑन एडिलेड आइलैंड वेस्ट एंटार्क्टिका एज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक सर्वे। द रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ यूके बेस्ड प्रोजेक्ट कॉल डिफियंट ड्राइवर एंड इफेक्टिव फ्लक्चुएशन इन सी आइस इन एंटार्क्टिक। विद सेटअप ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम टू टेक मेजरमेंट ऑफ सी आइस। द रिसर्च साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मानिटोबा इन कैनेडा, विष्णु हैज हिज एक्सपर्टाइज इन सी आइस, फ्रोजन सी वाटर दैट फ्लोट्स ऑन द ओशन सर्फेस। तो ये ओशन सर्फेस के ऊपर जो सी वाटर फ्लोट कर रहा है, क्योंकि वो फ्रोज हो चुका है पानी, तो वो आइस की तरह फ्लोट कर रहा है। हिज वर्क्स इन्वॉल्व मेजरिंग द थिकनेस ऑफ आइस यूजिंग द ग्राउंड बेस्ड रडार बेस्ड सिस्टम एंड करेक्टिंग द एरर्स इन द मेजरमेंट्स ऑफ द सेम ऑब्टेन फ्रॉम रडार सेटेलाइट्स। एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च विष्णु अलॉन्ग विद द साइंटिस्ट रोबी मेलेट इंस्टॉल द यूएस मेड इंस्ट्रूमेंट ओन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मनीतोबा ऑन द सी आइस टू टेक द मेजरमेंट्स। द थिकनेस ऑफ द सी आइस मेजर्ड यूजिंग द सेटेलाइट रडार इज प्रोन टू एरर। वी कैन नॉट डिटरमाइन हाउ थिक द आइस रियली इज थ्रू इट्स मेथड्स बिकॉज आइस कीप्स ड्रिफ्टिंग एंड इट इज नॉट इजी टू कीप ट्रैक ऑफ द मूवमेंट यूजिंग सेटेलाइट। ऑल्सो स्नो फॉर्म्स अ लेयर ओवर द आइस। With the presence of snow, we could overestimate the thickness when measurements are taken using satellite radar. This is very crucial because we might be under impression that the ice is thicker than it really is. This could impact the policies we come up with to tackle climate change. तो मतलब इन्होंने बोला, जैसे ये आइस का टुकड़ा है, इसके ऊपर स्नोफॉल हो गया तो ये इतना हो गया। अब हम लोग को लगे कि आइस तो भाई इतना मोटा है, पर रियलिटी में ऊपर का उतना तो स्नो है, आइस बस इतना ही थिक है इसका। तो ये चीज गलत हो सकता है। दिस इज प्रोन टू एरर। क्लाइमेट कंसर्न्स क्या है? द एंटार्क्टिक कैन बी चैलेंजिंग टू कंडक्ट फील्ड मेजरमेंट्स ऑफ सी आइस, सेज विष्णु, एक्सप्लेनिंग द स्नो इज वेरी थिक एंड डीप, इट फ्लड्स द आइस इनटू ओशन बिकॉज एंड बिकम्स स्लशी, इट इज मोर सॉल्टी एंड इट इज नॉट होमोजीनियस व्हेन कंपेयर टू दैट इन आर्टिक। सो देर आर कंबाइंड एरर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ही सेज। Of the 8 months they spent in Antarctic, he says that the team could take reading on only 22 days. The rest of the days there was no sea ice in the area where the ground-based radar system was mounted. This year recorded the worst sea ice ever and the lowest since 1986. He says the researcher found that the sea ice area is almost 1 million square kilometer less than the प्रीवियस लोवेस्ट विच वॉज इन 1986। 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये सबसे वर्स्ट सी आइस एवर ईयर है। अ रियल क्लाइमेट कंसर्न, तो यही है। द हाइएस्ट थिकनेस ऑफ सी आइस मेजर्ड बाय अस वॉज 44 सेंटीमीटर विच इज लो, इट इज आइडियली गो अप टू 1.5 मीटर और मोर, ही सेज। सो वाई डू वी नीड द सी आइस? इफ यू डोंट हैव सी आइस अ लॉट ऑफ सोलर हीट गेट्स अब्सॉर्ब्ड बाय ओशन instead of being reflected by sea ice. This will lead to polar ocean getting warmer and the other oceans also getting warmer, causing extreme weather scenarios. Further, the wildlife in the poles also need sea ice to survive.
देखो सी आई जो है व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, अगर ये रहेगा ये सन है, लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट हो जा रही है, लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ये सी आइस चला जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो यही चीज़ इन्होंने बोला, तो उससे टेम्परेचर इसका पूरा वार्म हो सकता है क्योंकि लाइट तो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो ये वार्म होगा और बाकी सारे ओशंस भी वार्म होंगे क्योंकि वाटर तो फॉलो करेगा इधर से उधर, और जब ये वार्म होंगे तो पूरे अपना पृथ्वी वार्म होगा, और उसके बाद से यहाँ पे जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे ठंडा चाहिए, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं जो रहेंगे उनको तो भाई ठंडी चाहिए जगह, क्योंकि उनके उनका यही इकोसिस्टम है, तो जब गर्म होगा तो ये उनके सर्वाइवल के लिए सही नहीं है, ये साफ बोला गया। विष्णु सेज दैट द क्लाइमेट चेंज इज वेरी एविडेंट इन द पोल्स, द वेदर इज नॉट सो कोल्ड एज इट यूज टू बी, दिस हैज बीन ऑब्जर्व बोथ इन आर्टिक एंड एंटार्टिक, इट इज ऑल्सो बॉट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू डू साइंस। तो इन्होंने साफ बोला है ये क्लाइमेट चेंज हमें तो पोल्स में पता चल रहा है, जितना पहले ठंडा हुआ करता था अब उतना ठंडा नहीं रहता है। आई ऑनेस्टली होप दैट पीपल वैल्यू मोर अबाउट क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट आर चेंजिंग एंड प्रोटेक्ट अस इन अ वे दे कैन, ही सेज ही एक्स दैट लाइफ इन द पोल्स कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग, व्हेन नॉट वर्किंग द टीम कैन गो फॉर क्लाइंबिंग डाइविंग इन टू ओशन एंड स्कीइंग और जस्ट कंटेम्पलेट्स लाइफ एमिट पेंगुइन्स एंड सदर्न लाइट्स, बट द डाउन साइड कैन बी इक्वली स्ट्रेसफुल, आइसोलेशन द कोल्ड टेकिंग अ टोल ऑन वंस मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, आई थिंक आइसोलेशन एंड लोनलीनेस आर परहैप्स द बिगेस्ट चैलेंज व्हेन यू आर आउट इन द पोल्स, यू आर अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज दैट टेक अ टोल ऑन यू, आई हैव सीन पीपल गेट इंजर्ड ऑन देयर मूड्स फ्लक्चुएट्स, टीम वर्क इज ऑलवेज अ चैलेंज हेयर, सेज विष्णु हु हैज स्पेंट 1000+ डेज ऑल टुगेदर इन आर्टिक एंड एंटार्टिक, देर इज नो सन फॉर 6 मंथ्स, आई हैव बिकम एडिक्टेड टू डार्कनेस साइलेंस एंड आइसोलेशन, बट दैट असाइड आई एम वेरी हैप्पी हम्बल एंड लकी टू बी एबल टू डू दिस एज माई प्रोफेशन, एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज एंड यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट, अडेप्ट एंड बी फ्लेक्सीबल, दिस इज एडिंग विद द चकल्स आई एंड आई हैव एन ऑफिस विथ अ व्यू, तो मतलब इनके पास बहुत अच्छा व्यू है इनके ऑफिस का। अब देख लेते हैं एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सी आई, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी आई क्या है, देन थिकनेस, सी आई का प्रोन टू एरर है, क्यों, ड्यू टू स्नो, और वाई सी आई इज इंपॉर्टेंट, क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये सन के रेज को रिफ्लेक्ट करता है, सन रेज आर रिफ्लेक्टेड, ठीक है, और लोकल एंडेमिक एनिमल्स या प्लांट्स इकोसिस्टम है ये। फोर्थ कहाँ का है, एंटार्कटिक और आर्कटिक, ठीक है। अब देखिए एंटार्कटिक का इनका रोथेरा रिसर्च स्टेशन है, किसका यहाँ पर है, यूके का चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट, अरे प्रोजेक्ट DEFIANT डेफिएंट, ठीक है, ये यूके प्रोजेक्ट चल रहा है। और उसके बाद से इसमें सी आईस को नापने के लिए जो उसका मेजरमेंट के लिए यूएसए का इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, यूएस मेड इक्विपमेंट, ठीक है। और थिकनेस ऑफ इतना नॉट इजी टू कीप ट्रैक, ये जो थिकनेस है प्रोन टू एरर है, ठीक है, ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं इसको, कैन बी ओवर एस्टिमेटेड, ये ठीक है, ये कैन बी ओवर एस्टिमेटेड हो सकता है, ये कर लिया हमने। अब क्लाइमेट कंसर्न्स क्या है, आप देखिए क्या है, एक्सप्लेनिंग इतना नॉट होमोजीनियस, ये जो होमोजीनियस आइस नहीं है, और कहीं कहीं पर ऐसा करीब नहीं है, तो पहले 1 स्क्वायर किलोमीटर है ये कम हो चुका है, 44 सेंटीमीटर इस बार नापा गया, पहले 1.5 मीटर से ऊपर होता था, सी आइस की बात हो रही है यहाँ पे,
ठीक है, तो ये क्लाइमेट कंसर्न्स दिख रहा है। सिक्स्थ बताया जा रहा है आर्टिक और एंटार्क्टिक दोनों जगह पोल्स पे, मतलब पोल्स पे आपका क्लाइमेट चेंज दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे लेस कोल्ड हो रहा है टेम्परेचर, जो पहले बहुत शिवरिंग कोल्ड होता था अब लेस कोल्ड हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट इंप्रूवमेंट तो साफ यही चीज़ है, यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, साफ इंडिकेशन है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए हमें काम चाहिए। अब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस और कार्बन फुटप्रिंट और C20 दुबई, इन सारी चीज़ों पे अपने आप हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, इतना ही था। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।